खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बीजेपी हर साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, जो कि 11, 12 और 14 अगस्त तक बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी, तो वहीं 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान चलेगा। बीजेपी ने पिछले साल भी हर घर तिरंगा अभियान चलाया था, इस वर्ष भी तिरंगा अभियान के माध्यम से बीजेपी जनता के घरों तक पहुंचेगी। 11 अगस्त से शुरू हो रहा यह अभियान 15 अगस्त तक अलग अलग तरह से चलेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता सभी घरों में तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, साथ ही व्यवसायिक केंद्रों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसे लेकर बीजेपी ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। इसी बीच तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, तो वहीं बीजेपी ने भी उस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की मानसिकता को लेकर पलटवार किया है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है। तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में फहरता है, हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। भारत में सदैव से उसके प्रति भावना रही है, देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति, कि तिरंगा घर घर लगाने से मुझे लगता है कि लोगों में देश प्रेम की भावना और ज्यादा उत्प्रोत होगी। तो इनकी जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं इनकी सदैव से देश को खंडित करने की रही है, और मैं इसकी तो निंदा करता हूं। तो ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए।